हाँ जी हाँ बोलो। और कुछ? और कुछ? मैं ग्लोब ला दूं, ग्लोब पे दिखा देता हूं। क्यों क्यों मैंने कहा साउथ इंडियन ओशन? बिकॉज दैट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन विच लाइज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, फॉर एग्जाम्पल एरियाज दैट वाटर बॉडी विच लाइज नियर टू द इंडिया, इंडिया हैज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ। थैंक यू, हो गया, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी यस प्रोसीड। कार्डिनल पॉइंट्स, नो डू नॉट यूज इट, यूज द ग्रीन बोर्ड। कार्डिनल पॉइंट्स, यस वेरी गुड वेरी गुड, जस्ट ड्रॉ इट। चौक आपके पास है? नो ओनली हर्षित बेदी, हर्षित बेदी, यस। DINAL कार्डिनल पॉइंट्स, रिकॉर्डिंग हो रही है। कार्डिनल पॉइंट्स, ओके बैलेंस। सो अकॉर्डिंग टू द गिलबर्ट वॉकर, गिलबर्ट वॉकर, व्हेन द हाई प्रेशर डेवलपिंग ओवर अ हाँ जी इक्वेटर, क्यों कहा जाता है इसको साउथ इंडियन ओशन? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर नॉर्थ इंडियन ओशन, और उसके नीचे ये साउथ इंडियन ओशन। व्हेन द हाई प्रेशर डेवलपिंग ओवर साउथ इंडियन ओशन एंड लो ओवर साउथ पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ वार्म पेरुवियन करंट, ये लिखा था, वार्म पेरुवियन करंट विच इज ब्लोइंग ऑन अ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जहां लिखा था मीनिंग मीनिंग ऑफ अ पेरुवियन करंट, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, याद है? हाँ, these winds are blowing in a western coast of South America. When they reaching in a equator, they starts to blow parallel to it. Then afterwards, they turns southward. Because Earth is a sphere, इसलिए कह रहा हूँ। ये भी पैसिफिक क्वेश्चन है दोनों साइड, ठीक है? Winds moving along the western coast of South America reach towards the equator, turns left hand side parallel to equator, then turns southward. Southward turn कर जाते हैं, ये circulation. So when the high pressure developing over South Indian Ocean, low over Pacific Ocean, India receiving as a deficit rainfall. उस साल इंडिया में लो रेनफॉल रिकॉर्ड होती है, abnormal rainfall होती है. उस साल मानसून का जो एक्सपेक्टेड टाइम है फर्स्ट वीक ऑफ जून, उससे डिले में या उससे अर्ली आ देंगे। मैंने कहा मास्क ऊपर रखो बच्चे, ठीक है चेतन ने, बार बार कहना पड़ेगा, क्लियर? ये एक एलनीनो का इंपैक्ट है। उसके बाद एक सदर्न ऑसिलेशन किया, जो सेकंड पैराग्राफ था, सदर्न ऑसिलेशन पेज नंबर 28 में मार्क्ड है। हाँ जी बोलो गुसान। उस वो अगले साल इस साल की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती, ठीक है ना? अब इसमें प्रूव नहीं है हमारे पास कि यही विंड्स रेन करती है कि नहीं, कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है। रीजन ड्यू टू थर्मल वेरिएशन इक्वेटर के साउथवर्ड, अभी इक्वेटर के साउथवर्ड एरियाज में समर स्टार्ट हो गए हैं और नॉर्थवर्ड विंटर्स, ठीक है ना? टेम्परेचर वेरिएशंस के, मैंने कहा आईटी सीजन स्टैटिक नहीं रहता, वो चेंजेबल रहता है। हाँ जी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया दे आर सेलिब्रेटिंग देयर क्रिसमस ड्यूरिंग द समर्स, बिकॉज सनरेज आर वर्टिकली फॉल ओवर अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन सही है ना, इसलिए ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस समर्स में सेलिब्रेट करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और कोई? हाँ जी वन बाय इक्वेटर के नॉर्थवर्ड इंडिया के बीच में से क्रॉस करता है, ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री कैंसर, ठीक है? नेक्स्ट सीजन्स, देयर आर फोर सीजन्स आर पिक्टाइज, सॉरी एक्सपीरियंस इन इंडिया समर विंटर रेनी एंड रिटीटिंग एडवांसिंग। ड्यूरेशन ऑफ सीजन सेकेंड
ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ प्रेसिपिटेशन, अगेन ड्यूरेशन ऑफ सीजन, सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, थर्ड टाइम अगेन ड्यूरेशन ऑफ सीजन, दस कारण ड्यूरेशन ऑफ सीजन डे एंड नाइट, थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ प्रेसिपिटेशन, सिक्स प्रिवेलिंग विंड्स। विंड्स कौन सी ब्लो करती है सीजन में? कोई नहीं है फैक्टर, छोड़ दो। विंटर सीजन विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स। नाउ द फर्स्ट विंटर्स, विंटर्स बिगिन विद द नवंबर टू फरवरी। ये रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन चल रहा है, फरवरी। क्लियर? ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स, डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। सनसेट समर्स में 8:10, 8:15 तक होता था, अभी वो सनसेट 8:30 तक हो जाता, सॉरी 6:30 तक हो जाता है सनसेट, ठीक है। डेज आर द शॉर्टर, नाइट्स आर लॉन्गर। थर्ड, ड्यूरिंग दिस सीजन ड्यू टू द लो टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रिवेलिंग ओवर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, High atmospheric pressure prevailing over plains, northern plains, yes. Next, high pressure developing over a plains. Why? Because of a low temperature. Low temperature wind, when it cools, it lies nearer the surface. Heavier winds lies nearer the surface. That's why the high pressure developing over the plains. High pressure developing over plains. Winds are moved from a north towards southward. Winds are moved from a plains towards the southward areas. North India towards southward. Next, temperature. During this season, low temperature prevails over northern plains. मैंने बुक नहीं मांगी आपसे। Northern plains due to slanting sun rays. Because presently, as the inclination of a sun rays is moving towards the south of equator, slanting slanting, clear? Sun rays, वो तो पहले बताया। Slanting sun rays, clear? इसलिए cold season experience होता है north India में। Next one, precipitation. During this season, cyclonic disturbances cause rainfall in India. Rainfall. Precipitation. If you remember, all in plains during January. During January, one thing remaining in a temperature during this season as a coldest days at mountains as the Siachen Glacier, -56 degrees Celsius only. -56 degrees Celsius temperature, Siachen Glacier, Jammu and Kashmir. Very good. Excellent. During this season, western disturbances cause the rainfall in India.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज रेनफॉल इन इंडिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, रितिका डिस्टर्बेंसेस, कॉज रेनफॉल इन प्लेन्स, कॉज रेन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दीज आर दोज विंड्स विच आर ओरिजिनेट ऑन अ मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर दोज विंड्स विच आर ओरिजिनेट ऑन मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, ब्लोस ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड, कम फॉरवर्ड, रबी सीजन फोर क्रॉप्स आर प्रोड्यूस इन दिस पार्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब, वीट मस्टर्ड पीस एंड पोटैटोस, वीट मस्टर्ड राइस समर्स में होता है, खरीफ में होगा, वीट, वीट मस्टर्ड पीस PEAS एंड फोर्थ क्रॉप पोटैटोस, पोटैटोस, क्लियर, क्लियर, दिस इज एज अ विंटर सीजन. नाउ यू सिट ऑन जस्ट, हिमालयस के कारण, हिमालयस की एग्जिस्टेंस के कारण ये विंड्स डिवाइड हो जाती दो पार्ट्स में, ठीक है ना. हाँ, वर्ल्ड का 70% जो ट्रेड है यूरोप से लेकर साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के थ्रू, वो स्वेज कैनाल के थ्रू होता है, और दैट स्वेज कैनाल इंटरलिंक्ड है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, इसके थ्रू होता है 70% ट्रेड होता है, ठीक है.